हाँ तो भाई, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाना शुरू किया है क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे दोस्तों। ये गाइस, पिछली वीडियो में मेरा अटैक जो है भाई फंस गया था बुरी तरीके से, लेकिन तुम्हारे भाई ने फिर भी उसको 3 स्टार कर दिया। और ये चीज भाई आप लोगों को काफी अच्छी लगी, आप लोगों ने भाई काफी तारीफ करी कमेंट्स में, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो हमारी भाई देखो टूर्नामेंट मैच के ऊपर है। कौन सा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं? टूर्नामेंट है इडजू कप, उसका राउंड 1 हम लोग खेलने जा रहे हैं। तो भाई जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो के ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले भाई एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 लाख के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो करो भाई सब्सक्राइब यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई कैसे होंगे यार 1 लाख। गाइस, आज का पहला अटैक आ चुका है हमारी साइड से। सुमित भाई कर रहे हैं भाई ओपन, फिलहाल यहाँ पर हाइब्रिड के साथ आए, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसने की डाले फनल के लिए, तो क्वीन को ले जाना चाहते हैं शायद ये टाउन हॉल पर, क्योंकि नीचे का फनल बना लिया है तो क्वीन ऊपर जाएगी, ऊपर रखा है टाउन हॉल। चलो भाई साहब देखते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर टाउन हॉल के पास डैमेज बहुत ज़्यादा है। गाइस देखो किंग भी रखा है, डबल एक्स बॉय और मोन लेते हैं। फिलहाल सीसी भी उधर ही है, बलून्स डाले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्लैक वाली माइंड रखी थी। ओहो ये क्या हो गया भाई, सुपर वॉल ब्रेकर को मार दिया भाई स्कैटर ने, दूसरा डाला है, वॉल ब्रेक करना चाह रहे हैं फ्रंट पे। चलो भाई वॉल ब्रेक हो गया यहाँ पर, सीसी के अंदर से भाई एचएच आ रहे हैं, 2 HH आए, फ्रिज लगा दिया, क्वीन पे रेज लगा दिया, ठीक है क्वीन भिड़ेगी किंग से, भिड़ गई, HH डाल दिया किंग के लिए। चलो भाई क्वीन चार्ज तो यहाँ तक काफ़ी सही हुआ है, आगे मोन लेते हैं, उधर थोड़ी सी दिक्कत है तो देखते हैं अभी क्या रहता है। यहाँ पर सीसी आ गई है भाई बाहर, सीसी के अंदर 1 HH और 2 Ice Golems हैं। फिलहाल देख लेते हैं क्या रहने वाला है, पहले तो भाई आइस गोलम्स को मारना पड़ेगा और हाइब्रिड भाई जल्द से जल्द स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। नीचे SB डाल दिया है, चलो भाई ये आ गया यहाँ से हाइब्रिड, क्वीन चली रही है टाउन हॉल पर, टाउन हॉल मिलने वाला है। क्वीन ने भाई निकाल दिया यहाँ पर टाउन हॉल, 1 रेज लगा दी क्वीन पर, हील डाल दिया यहाँ पर। ओ भाई ये क्या हो गया, अबे यार किंग ने फनल नहीं बनाया, ओ भाई गड़बड़ हो गई अटैक में भाई साहब। किंग यार फनल बनाने में ना थोड़ा सा लेट हो गया, आर्मी बाहर भटका दी किंग ने, अरे यार दिक्कत हो गई इस अटैक में। मस्त आ रहा था बिल्कुल अटैक, पता है क्वीन भी बच गई इनकी, देखो आर्मी यार कोर मानी थी, किंग ने सारा मामला बेकार कर दिया, काफ़ी सही अटैक जा रहा था ये, छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखो भाई कितना बड़ा नुकसान हुआ एकदम से, है ना। चलो फिलहाल यहाँ पर ईगल डाउन होने वाली है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्वीन मर गई, आर्मी देखो भाई साहब सारी बाहर चल रही है, सोचो ये आर्मी अगर बीच में होती गाइस तो स्कैटर स्कैटर सब कुछ अभी निपट गया होगा, निपट जाता बीच का जितना भी मामला दिख रहा है ना ये मोनोलिथ वगैरह सब निपट जाता ये, पता है। और एक हील तो स्वैग हो गई पहली वाली, अगर आप लोगों ने सही से देखा हो तो भाई साहब अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन ये ट्रिपल ही था ये, अगर वो किंग वाली दिक्कत ना होती तो। चलो भाई क्या ही सीन हुआ एकदम से, है ना, किंग ने सारा भाई साहब मामला ही बेकार कर दिया गाइस इधर। चलो फिलहाल यहाँ पर 83% आ गया, सेकंड अटैकर आ चुके हैं, आदि कर रहा है सेकंड अटैक, चलो भाई देख लेते हैं आदि का अटैक, बिलिम टाउन हॉल पर, क्या सेफ सीसी है, इसनी की थे सारे, टाउन हॉल आ गया, बेबी ड्रैगन का फनल चल रहा है, क्वीन डाल दिए नीचे और सुपर ड्रैगन डायरेक्ट डाल दिया यहाँ से, मोनोलिथ को पहले टेकडाउन करना चाहते हैं इसलिए मोनोलिथ साइड चूज़ करिए यहाँ पर। चलो भाई सही चल रहा है, हीरोज चल रहे हैं, लेकिन हीरोज के लिए आगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज रखा है यार। आदि मेरा भाई क्या कर रहा है, होश में है, हीरोज तो यूँ ही मर जाएंगे, बहुत डैमेज है हीरोज के लिए। गाइस देखो तो दो दो हीरो में घुसा दिए हीरो, भाई साहब ऐसा मत घुसाओ यार दिक्कत हो जाती है, मर जाएंगे हीरोज अभी, देखो मर गया किंग, कह ही रहा था मैं दिक्कत हो जाती है भाई ऐसे, थोड़ा यार सही से करना चाहिए था। इधर देख रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज है, मतलब पहले से ही दिख रहा है फिर भी डाल दिया बंदे ने, पता नहीं समझ नहीं आया मेरे को, ईगल बच चुकी है, लो परसेंटेज आएगा भाई अटैक, ये इधर बड़ी दिक्कत हो गई है, कम से कम बंदा यार 80% तो लाता,
ओपनिंग अटैक में दिक्कत आ गई गाइस। चलो अभी देखते हैं आगे, अभी मैच बढ़ी है काफ़ी, कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। खैचा तो जा रहा है देखो परसेंट जितना हो सके। क्वीन मर जाएगी यार, बहुत कम हेल्थ है। येलो फ्रीज डाला, क्वीन मर गई, एक फ्रीज और बची है, वो स्वैग है। ये वाला स्वैग मेरे को अच्छा लगता है, अटैक फेल करने के बाद जो स्वैग होता है। हमारी साइड से तीसरा अटैकर आ चुका है और स्कोर कुछ ऐसा ही चल रहा है, फीका फीका सा। सामने वाले भी कुछ ज़्यादा खास उखाड़ नहीं पाए, वो भी हमारी तरह ही खेल रहे हैं। तो अभी तक समझो कि मैच हाथ में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ से भाई साहब पिटाई करना चालू करना पड़ेगा। अब FF डाला है, FF से क्या लेना चाहते हैं, ईगल लेना चाहता है भाई बंदा। ओहो स्केली आ गई गाइस, स्केली दिक्कत ना दे दे FF को। येलो भाई स्केली, चलो मर गई। वार्डन वॉक चल रही है, वार्डन से क्या क्या लेना चाहते हैं, जेब कर दिया यहाँ पर, मोनोलिथ एक्सबो स्वीपर वगैरह सब उड़ा दिया, नाइस। देखते हैं अभी आगे क्या रहने वाला है। एक एटी को डाला है क्योंकि वो जो गेरअप मोटर रखी है ना उसको डाउन करना चाहते हैं FF के साथ, वो शायद डाउन हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, FF बच जाएगा। टोर्नाडो देखो बिल्कुल बीच में लगा के रखा है, तो बिल्कुल बीच में लगा रहे हो भाई, मतलब बिलिम बिलिम फंसाना चाह रहे हो यार आप, समझ रहे हम। चलो आर्मी घुस गई है अंदर, किंग डाल दिया आगे से, किंग आगे का फनल बनाएगा और आर्मी जाएगी बिल्कुल बीच में, मतलब टाउन हॉल की साइड। चलो काफ़ी सही चल रहा है। इलेक्ट्रो टाइटन्स भाई क्या कर रहे हो, जल्दी पहुंचो आगे। क्वीन मल्टी ले रही है, रेज लगा दी इधर, किंग एबिलिटी मार दी है, उधर सीसी के अंदर सुपर मिनियंस निकल गए। उनको लग रहा था कि इसके ऊपर ड्रैगन अटैक आने वाला है, ड्रैगन अटैक अभी आया नहीं है, अभी आएगा, आपको पता ही है कौन करेगा, मैं करूँगा गाइज, मैं करूँगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो। अगला ये अटैक लेंगे हम, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं यार ये बेस के साथ क्या हो रहा है, क्या ये ट्रिपल है, ये ट्रिपल हो जाए काश यार, थोड़ा कम दबाव रहेगा तुम्हारे भाई पे, लग तो रहा है हो जाएगा ट्रिपल जिस हिसाब से अटैक चल रहा है। आरसी है भी तो, क्वीन भी बच रही है उधर से, रेज है, फ्रीज है, आरसी डाल दी भाई, काफ़ी सही करा इन्हें, आरसी डाल दी इधर से। चलो भाई रेज और फ्रीज बचा के रखी है, दो हॉग भी बचा के रखे हैं, एक सुपर मिनियन है, एक बारबेरियन, एक सुपर वॉल ब्रेकर, बहुत कुछ बचा के रखा है भाई बंदे ने। स्कैटर को धर लिया है रॉयल चैंपियन ने और डाउन भी कर दिया है, फिलहाल तो लग रहा है कि ट्रिपल ही है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। तो गाइज ये तो 3 स्टार कर दिया साइक ने यहाँ पे। चलो भाई रिमांड लेना चालू कर दिया सामने वाली टीम का, ओपनिंग तो हो गई है ट्रिपल की। अगला अटैक मेरा है, कोशिश तो ये रखेगा तुम्हारा भाई कि 3 ही मारा जाए, है ना, बाकी 19-20 हो जाए तो भाई कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बैड लक नाम की भी एक चीज़ होती है दुनिया में, आप जानते ही हो सारे के सारे। गाइस तुम्हारे भाई की बारी आ चुकी है अटैक करने की और मेरे को अटैक करना है बेस नंबर 1 पर, तो चलते हैं भाई अटैक के लिए। आर्मी अपनी यही रहने वाली है, हाइड्रा क्लोन जो पिछले मैच में थी, क्योंकि बवाल आर्मी है और तुम्हारा भाई मास्टर है इस आर्मी के अंदर। हीरो को बूस्ट कर दिया गया भाई, मैक्स वैक्स कर दिया है, बिल्कुल भी रिक्स नहीं, तो ट्रिपल के लिए जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। चलो भाई इधर से सबसे पहले क्या है, हम फनल लेंगे, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, फनल बन गया अपना। एयर डिफेंस और डाउन करनी है अपने को फ्रंट वाली, देखते हैं भाई हो पाएगी क्या। चलो ये आ गए हमारे सुपर बलून्स और ये गई यहाँ से एयर डिफेंस, पहला स्टेप पास हो चुका है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इधर भाई एक बलून मैंने टेस्टिंग के लिए डाला है, क्या क्या है इधर, इधर एक टेस्ला निकला है और कुछ नहीं है। तो अब समय हो चुका है अटैक चालू करने का, तो डाल देते हैं भाई आर्मी को, वेट किस चीज़ का करना है। आर्मी बिल्कुल भाई बीच में से घुसनी चाहिए और अंदर तक घुसनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को पता ही है भाई फिर क्या होता है ना, फिर मज़ा आ जाता है गाइस। तो देखते हैं भाई आज मज़ा आएगा नहीं आएगा। बिलिम तो पहुंच गई है, टोर्नाडो नहीं होना चाहिए बस, क्लोन विलोन सब डाल दिया है मैंने। चलो भाई टोर्नाडो था नहीं इधर, सब कुछ मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगल थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है तुम्हारे भाई को, लेकिन कब तक देगा। कोर निकल चुका है, मैं कह ही रहा था भाई अगर बीच में एक बार घुस जाए ना तो भाई फिर आर्मी जो है ना फाड़ देती है भाई बेस को, तो वही हुआ इसके साथ। अभी देखते हैं क्या रहता है,
गॉर्डन बेचारा भटक गया, ऊपर चला गया गलती से। चलो भाई, किंग एंड क्वीन की एबिलिटी है, रॉयल चैंपियन का आना भी बाकी है। मैंने पॉइजन लगाया था, मैं सोच रहा था क्वीन निपट जाएगी, लेकिन निपटी नहीं क्वीन। अभी हमारे हीरोज निपटाएंगे क्वीन को, दिक्कत मत लो आप। टाइम थोड़ा कम है ना, तो इसलिए साइड वाइड देख रहा हूँ मैं। आर्चर आर्चर मैंने डाल दिए, दिक्कत ना लो आप। मेरे को दिख रहा था कि भाई ऊपर बच गया है मामला कुछ ना कुछ। क्वीन एबिलिटी का बचना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। क्वीन टारगेट पर आ गई है गाइस, ये गलती हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। एच एच क्वीन को दबा ले भाई। अबे यार रॉयल चैंपियन ऐसी की तैसी करा ली रॉयल चैंपियन ने, पूरी हेल्थ चली गई। फंसना जाए यार, ये किंग के पास एबिलिटी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन एक्सबो को ले लेगी और ये बेस कमज़ोर सा पड़ गया क्या तुम्हारे भाई के सामने? कमज़ोर ही पड़ गया यार ये, क्या करें गाइस, बेस तुम्हारे भाई के सामने टिक ही नहीं रहे, देख रहे हो। यूं ही भाई ख़त्म हो जा रहे हैं ये, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा, क्या कहते हो? चलो भाई ट्रिपल मार दिया है, तो ईमानदारी से लाइक एंड सब्सक्राइब भाई दबा देना यार। देखो आप लोग जब वो बटन दबाते हो ना, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर, फिर मेरा मन करता है जो मर्जी बेस आ जाए देख लेंगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार देंगे तीन, समझ रहे हो? अगर चाहते हो तुम्हारा भाई ऐसे तीन मारता रहे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा देना बस। आज का लास्ट अटैक आ चुका है, ड्रागो कर रहा है आज का लास्ट अटैक। वार्डन डाल दिया, बलून्स डाल दिए, बिलिम डाल दिए, सब कुछ डाल दिया है, वार्डन एबिलिटी दबा दी है और सब कुछ दबा चुका है बंदा। फिलहाल बिलिम पहुंच रही है टाउन हॉल पर। सुपर मिनियंस रखे थे सीसी में भाई साहब, ये रखे थे ड्रैगन के लिए, लेकिन ड्रैगन तो तुम्हारा भाई मार के निकल गया तीन, रुके ही नहीं। सुपर मिनियंस से ना रुक रहे तुम्हारे भाई के ड्रैगन, क्या समझे? बिलिम बिलिम फंसाओ मेरी टोर्नाडो से, जब ही रुकेगा भाई ड्रैगन, वरना नहीं रुक रहा मेरा। चलो फिलहाल यहाँ पर पूरा कंपार्टमेंट खाली कर दिया, टाउन हॉल बच गया, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है भाई। वन वन मार दियो, खाम खाई के हार जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पर। लावलून चालू कर दिया भाई अर्ली इसने, लावलून छोटा सा लावलून कर रहा है, टाउन हॉल को लेना चाह रहा है। चलो देखते हैं टाउन हॉल आएगा नहीं आएगा। वैसा फ्रीज तो पाँच है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं। हैश लगा दिया, टाउन हॉल को जमा दिया, ईगल ने टारगेट कर दिया बलून्स को, और सारे बलून्स पागल के बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए और ये झेल गए डैमेज। टाउन हॉल की हेल्थ कम थी, टाउन हॉल डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आज गोलम डाल दिया, रॉयल चैंपियन का आना बाकी है, दो स्टार तो कन्फर्म है ये, बाकी देखते हैं तीन जाएगा नहीं जाएगा। रॉयल चैंपियन को डायरेक्ट कोर में भेजा है। फिलहाल ये हैवी डिफेंस है यहाँ पर और रेस्ट टावर गिर चुका है, यानी कि डैमेज बहुत खतरनाक आने वाला है। एनवी स्पेल है, यूज़ कर सकता है आरसी पे, गिरा दी पहली, दूसरी बची है अभी। येल्लो भाई दूसरी गिरा दी, वो स्पेल टावर जाने वाला था, क्यों डाल दी, एक ही टोर पड़ने देता। फिलहाल यहाँ पर ईगल जो है वो डाउन हो गई और हमारी क्वीन मर गई पागल की बच्ची, उसको तो बचना चाहिए था यहाँ पे। फिर शायद ट्रिपल हो सकता था ये क्वीन अगर एबिलिटी के साथ होती। छोटा सा लावलून नीचे से कर दिया है, एक फ्रीज है, पीछे से मिनियंस डाले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कितना परसेंट जाने वाला है? 72 हो गया है, 74। फिलहाल काफ़ी सारे लावा पफ हैं पीछे, देख रहे हो, स्कैटर को जमा दिया, लास्ट फ्रीज बची हुई थी। तो अटैक तो ट्रिपल नहीं हो पाएगा, लेकिन परसेंट जो है वो चलो 80-80 आ गया है। अब स्कोर देखने का टाइम आ गया, फाइनल स्कोर क्या रहा, सामने वालों ने क्या करा और हमने क्या करा, अब उसको टोटल करके देख लेते हैं मिला के। गाइस ये रहा फाइनल स्कोर आप लोगों के सामने, हमने करे 12, सामने वालों ने करे 10 और ये वाला मैच हम लोग जीत गए बस। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, जाते जाते लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।